सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस के घर में सभी जानते हैं कि दीपक सोमी से प्यार करते हैं, लेकिन अब सोमी भी उनकी केयर करती हुई नजर आती हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करती हैं। और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ जब घर वालों ने सोमी को फिर ये सवाल उठाए कि वो सेल्फिश हैं और खुद की मेहनत से यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ यहाँ तक आई है। और इसे लेकर सोमी है परेशान और दीपक के सामने अपने आप को डिफेंड करती हुई नजर आती है दैट आई एम नॉट सेल्फिश। दरअसल सोमी दीपक ठाकुर से बातचीत कर रही होती है, सब उस शेयर वाले टास्क को लेकर खींचे जा रहे। उनके पास इस बात के अलावा कोई बात ही नहीं है कि मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। और वो जो बंगले वाला टास्क था उसमें ये कहा कि तुम अपने लिए सेल्फिश होगी, खुद के लिए खेला। अरे यार, हम लोगों के अंदर डिसाइड हुआ था कि उस टाइम पे दावेदार मैं थी, तो यार उस वक्त मैं अपने लिए क्यों नहीं खेलूं। और जब हिटमैन वाले टास्क में ये डिसाइड हुआ था कि सुरभि को बनाना है दावेदार, तो सेक्रीफाइस करने के लिए मैं थी वहाँ पर और मैंने किया भी। और हर टास्क में ये नहीं है कि मेरा किसी ने उड़ाया नहीं था, अगर मैं एंड तक आई तो यार बाद में मेरा भी तो उड़ाया ना। और ये कहते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती अगर दीपक और रोमिल मुझे सपोर्ट नहीं करते, क्या ऐसा होता है क्या? और वो रोमिल इस बात को लेकर मजाक बना रहा है, हंसता हुआ नजर आ रहा है। गलत है यार दीपक, आई एम नॉट सेल्फिश। अगर मैं यहाँ पर खुद के लिए खेल रही हूँ तो बाकी लोगों के लिए भी खेलती हूँ। जब सेक्रीफाइस करने का टाइम आता है तो मैं सेक्रीफाइस करती हूँ, लेकिन जब मेरे लिए खेलने की बात आए तो मैं क्यों ना खेलूँ। और इस तरह से दीपक भी उनकी बातों में हामी भरते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ अपने पॉइंट भी सामने रखते हैं। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।